और देश में बेलगाम हो रही पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने के केंद्र सरकार की अपील के बाद गुजरात सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाले अपने वैट में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4% वैट की कटौती का फैसला किया है। इस फैसले से राज्य में पेट्रोल की कीमत 2.93 रुपए की कमी आई है और अब राज्य में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 67 रुपए होगी। इसकी कीमत आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। इसी तरह राज्य में डीजल पर 4% वैट कटौती के बाद कीमतों में 2.72 पैसे की कमी आएगी और अब डीजल 60 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर बिकेगा।